सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आप इस आज वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ही जो यूजफुल होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो आधार से लिंक, आपका मोबाइल नंबर लिंक करने की है। ये आपको मैं बता दूँ कि इसको आप घर बैठे से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हाँ अपने मोबाइल से लिंक कर सकते हो घर बैठे ही। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जस्ट। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नंबर जारी किया है 14546, जिसके जरिए से आप घर बैठे अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो आधार से। ये क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूं, आपको आईवीआर इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के जरिए आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना है, आपसे सबसे पहले आपको अपने क्या करना है, आपके मोबाइल में इस नंबर को डायल करना है। डायल करने के बाद आपको एक वॉइस आएगी, आईवीआर जो सुनाई देगी उससे पूछेगा आपका नंबर, अगर रजिस्टर्ड पहले ऑलरेडी है तो वो बता देगा आपका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है या फिर नहीं है, तो आपसे पूछेगा कि आपका जो भी नंबर है आधार नंबर उसको उसमें डालिए। उसके बाद उसमें वो रेस्पॉन्स पूछ देगा। आप उस नंबर को डालने के बाद आपसे बोला जाएगा कि आपका ये नंबर है तो ये वेरीफाई के लिए एक दबाइए, तो आप वेरीफाई कर देंगे। तो उसके बाद प्रोसेस पूछेगा आपसे, वो आपके जो आधार से संबंधित नाम, फोटो और आपका एड्रेस के बारे में हामी भरवाएगा, जिसको आपको हामी भरनी है। ये दोस्तों ये आपके हिंदी के अलावा अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। दोस्तों आप आसानी से इसको लिंक कर सकते हो घर बैठे। दोस्तों मैंने भी किया है, दोस्तों आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। दोस्तों कहीं आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आप ये प्रोसेस करोगे तो आपके बाद में एंड में आपके फिर से एक वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा कि ये वन प्रेस कीजिए, तो आपको वन प्रेस करना है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपका जो नंबर है आधार से लिंक सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों हाँ, इंपॉर्टेंट सी बात ये और है कि अगर आपका जो आधार नंबर जिस नंबर से रजिस्टर्ड है तो आप जब ही ये काम कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आप रिटेलर से जाकर अपने आधार लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कैसे रजिस्टर्ड, आपका जो आधार नंबर जिस नंबर से रजिस्टर्ड होगा तो उस पर ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपका रजिस्टर्ड आधार नंबर तो आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों यह मतलब जो भी प्रोसेस है सारे नंबर पर एप्लीकेबल है, कोई भी कर सकता है। हेलो दोस्तों, आप इस छोटे से प्रोसेस के अनुसार आप अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई सवाल है, कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए लाता रहूँगा टॉप टेक्निकल न्यूज़। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सेव योर लाइफ, सेव योर टाइम।